हेलो एवरीवन, कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में टॉपिक डिस्कस किया था जूज एग्राफिकल। इसमें हमने कल जूज एग्राफिकल रीजन्स के अंतर्गत इंट्रोडक्शन बताया था। उसके बाद हमने जूज एग्राफिकल रीजन्स को 6 रीजन में बांटा था, जिसमें हमने पहली आर्कटिक रीजन्स, आर्कटिक रीजन्स, न्यू ओरिएंटल रीजन्स, न्यू ट्रॉपिकल रीजन्स, इथियोपियल रीजन्स तथा ऑस्ट्रेलियन रीजन्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने कल बात की थी पैलियोआर्कटिक रीजन्स, इसमें ज्योग्राफिकल लिमिट्स क्या थी, क्लाइमेट्स क्या था, कौन कौन से फौना थे, फौना में कौन कौन से एनिमल्स थे, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टिलियंस, उसके बाद बर्ड्स तथा मैमल्स। आज हम जो सेकेंड रीजन था न्यू आर्कटिक रीजन, उसको डिस्कस करेंगे। न्यू आर्कटिक जियोग्राफिक लिमिट्स की बात करें तो इसमें नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, न्यू फाउंडलैंड एंड मैक्सिकन रीजन्स को इंक्लूड करते हैं। सेंट्रल अमेरिका की एक पतली पट्टी को छोड़कर यह अन्य सभी रीजन्स से समुद्र के द्वारा अलग है। क्लाइमेट्स की बात करें तो इस रीजन की क्लाइमेट कंडीशन पैलियोआर्कटिक रीजन जैसी होती है। यहाँ पर पश्चिम की तरफ बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं हैं जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई हैं। इसके नॉर्थ में ग्रीनलैंड तथा बर्फ की लेयर मिलती हैं। इसके ईस्टर्न भाग में कॉनिफरस प्लांट्स, डेसीडियस या मिक्स्ड फॉरेस्ट पाया जाता है। इसके सेंटर पार्ट में बड़े बड़े घास के मैदान या पेरियर्स पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग एरिड जोन्स हैं। फौना, अगर नई आर्कटिक रीजन्स के फौना की बात करें तो इस रीजन का फौना पहले आर्कटिक जो रीजन था उसी के लाइक है, मतलब उसी के जैसा है। वास्तव में यहाँ पर पहले आर्कटिक या न्यू आर्कटिक फौना मिक्सचर पाया जाता है, मतलब पहले आर्कटिक और न्यू आर्कटिक, न्यू ट्रॉपिकल्स दोनों का मिक्सचर पाया जाता है। इसमें वर्टिब्रेट्स की 120 फैमिलीज मिलती हैं, जिसमें से 26 फैमिलीज मैमल्स की, 21 रेप्टाइल्स की तथा 49 फैमिलीज बर्ड की है तथा 14 फैमिलीज एम्फीबियंस की है। यहाँ पर फिशेज की 24 फैमिलीज मिलती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फौना के अंतर्गत फिश फौना। फिश फौना में फॉलीडॉन, इसको कि पैडल फिश बोलते हैं, ये यहाँ की फिश रीजन की मोस्ट फेमस फिश है। इसके अलावा कुछ कैटफिशेज, लेपिडोस्टेर, इसको गार्फ बोलते हैं, एमिया, स्ट्रेजन आदि प्रमुख हैं। इस रीजन में प्रमुख पर्ट्स में वॉलिस्टोसोमा, फेलियोमा, क्रोमोस्टिस, नेक्टोरस, सालमेस आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट एम्फीबिया, इस रीजन में टेल्ड एम्फीबियंस डोमिनेटिंग हैं। इनमें से कुछ केवल इसी रीजन में मिलते हैं, अन्य एम्फीबियंस पैलियोआर्कटिक रीजन्स लाइक हैं। इनमें एम्फीनोरा, एम्बाइस्टोमा, एग्जिलोटल लार्वा, साइरन, सेलामेंडर्स, बहुत कुछ नियोटेनिक फॉर्म्स पाई जाती है। यहाँ के टेललेस
एम्फीबियंस में राना, टिग्रिना, बीफो, हाइला आदि प्रमुख हैं। यहाँ के प्रमुख फ्रॉग्स एंड टोड्स में एक्री, स्यूडोक्रिस आदि हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ का रेप्टिलियन फौना काफ़ी रिच है। मतलब जो रेप्टाइल्स की संख्या थी वो इस रीजन में काफ़ी मिलती है, काफ़ी देखी जाती है। इसमें पैलियार्कटिक तथा ट्रॉपिकल अमेरिकन ग्रुप्स का मिक्सर पाया जाता है। यहाँ की कॉमन रेप्टाइल्स में टाइनेक्स, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, मस्कुलेट हैं। यहाँ के लिजार्ड में गीकोज, ऑफिसोरस, फ्राइनोसोमा, जिसको कि हॉर्न टूट बोलते हैं, ऑफिसोरस यानी ग्लास स्नेक, इसकी बॉडी जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए इसको ग्लास स्नेक नाम दिया जाता है। हेलोडर्मा द ओनली फॉयजस लिजार्ड, जो हेलोडर्मा होती है फॉयजस लिजार्ड होती है, वो पहनती है केवल साउथ वेस्ट सेंट्रल अमेरिका तक रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ के स्नेक्स में पिट वाइपर, कोरल स्नेक्स, रेटल स्नेक्स आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट बर्ड्स यानी पक्षियों की बात करें इस रीजन के, तो पक्षियों का फौना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है। यह पहली आर्कटिक तथा न्यूट्रॉपिक रीजन का मिक्सर है। जो पहले आर्कटिक तथा न्यूट्रॉपिक रीजन है दोनों का मिक्सर है। यहाँ पर कुछ विंटर माइग्रेंट प्रमुख हैं। कॉमन बर्ड्स, स्टोन्स, पेलिकन्स, हॉक्स, वल्चर्स, डक्स, कैसमिंस, लार्क्स आवास के लिए प्रसिद्ध हैं, कुकूज, सैंड पीपर्स, पीजन, कॉल्स, किंग फिशर, सर्फिट, हेमिंग बर्ड्स, वुड पिकर, फिलाई कैचर्स, क्रिपलेस आदि प्रमुख हैं। मैमल्स की अगर बात करें तो इस रीजन में प्राइमेट्स एंड मोनोट्रीम नहीं दिखाई देते हैं। मार्सुपियल्स में केवल बर्गिनियस, ऑप्टिमम केवल उत्तरी अमेरिका को में मिलता है। अन्य कॉमन मैमल्स रैबिट, स्क्वायरल, मोल्स, कैट्स, बैट्स, डियर, फ्लाइंग स्क्वायर, जंपिंग माइस, ओपोसम, आर्मेडिल्स आदि प्रमुख हैं। यहाँ के एक्सक्लूसिव मैमल्स में स्टारनोज, मोल्स, कॉन्डिलोरा, लॉन्ग लेग बैट्स तथा लीफ नोज पैट्स है। इस रीजन का को चार सब रीजन में बांटा गया है, जिसमें कैलिफोर्नियन सब रीजन, रॉकी माउंटेन सब रीजन, एलिनी सब रीजन तथा कैनेडियन सब रीजन। अब हम बात करते हैं थर्ड सब रीजन, थर्ड रीजन यानी न्यूट्रॉपिकल रीजन। न्यूट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो अगर सबसे पहले इसके ज्योग्राफिकल लिमिट की बात करें तो इस रीजन में साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ मैक्सिको एंड वेस्ट इंडीज को इंक्लूड किया जाता है, किया गया है। क्लाइमेट में ये रीजन अपने लग्जरेंट फॉरेस्ट तथा कंप्लीट बंस ऑफ डेजर्ट हेतु माना जाता है। यहाँ पर अमेजन वैली एक रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रमुख है। वैसे यहाँ पर ग्रासी फील्ड, ड्रायर फॉरेस्ट आदि भी हैं। सवाना तथा अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। वेस्टर्न साउथ अमेरिका में
सब डेजर्ट एरिया मिलते हैं। वेस्ट में हाई माउंटेन फॉरेस्ट तथा स्लोप दिखाई देते हैं। फौना की अगर बात करें तो यहाँ का फौना बहुत रिच है। इसमें विभिन्न वर्टिब्रेट्स तथा एक्सक्लूसिव फॉर्स भी दिखते हैं। यहाँ इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की 155 फैमिली मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के फौना के अंतर्गत जो एनिमल्स मिलते हैं, फिशेज। अगर फिशेज की बात करें तो इस रीजन में लेपिडोसायरन तथा लेपिडोस्टिकस के अलावा कार फिशेज भी पाई जाती है। इस रीजन में कैल्शियन कार्प, क्रूशियन कार्प आदि प्रमुख फिशेज हैं। अन्य फिशेज में इलेक्ट्रिक, ईल, पर्चिंग फिशेज, टाइगर्स, कैट फिशेज आदि भी मिलती हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स, इलेक्ट्रिक ईल्स, जिम्नोटिट्स अमेजन में पाई जाती हैं। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया, न्यू आर्कटिक रीजन, न्यू आर्कटिक रीजन में हमने इसके जियोलॉजिकल लिमिट्स के बारे में बताया, क्लाइमेट्स के बारे में बताया, फौना क्या है, फिशेज फौना, एम्फीबियंस फौना, रेप्टिलियन फौना, वर्ड्स फौना तथा मैमल्स फौना के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने जो न्यू ट्रॉपिकल रीजन्स होता है, यानी थर्ड रीजन्स जो आपको पढ़ना है, उसमें जियोग्राफिकल लिमिट्स, क्लाइमेट्स, फौना के अंतर्गत फिशेज को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।